हेलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल देसी इकोनॉमिस्ट हिंदी पे हम लोग बात करने वाले इंट्रोक्ट के लिए कुछ ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज़ के बारे में जिसमें कि बहुत ही अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे और स्टॉक्स में हमारे टारगेट हिट होते हुए नजर आए हैं उस स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले जो कि हमारे लास्ट वीक का पहला स्टॉक था अदानी बिलमान लिमिटेड अदान बिलमान लिमिटेड में हम लोगों को केवल दो दिनों के अंदर तीन से तीन तक ये स्टॉक आ गया है और आज के दिन पे इसका लो तीन सौ का लगा था और नेक्स्ट स्टॉक था हमारा पीसीबीएल पीसीबीएल में हम लोगों को दो सौ के आसपास में इस स्टॉक को हम लोगों ने फाइंड करा था उसके बाद से दिनों के अंदर इस स्टॉक में बहुत ही बड़ा फॉल आया और हमारा फाइनल टारगेट दो सौ का हिट होता हुआ नजर आ रहा है और नेक्स्ट स्टॉक था एनसीसी एनसीसी में भी हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला आज के दिन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों को का को का फॉल देखने मिला है और स्टॉक हम लोगों को आज के दिन पे दो के ऊपर ट्रेड कर रहा था लेकिन वहां से एक बहुत ही अच्छा करेक्शन दे करके यह स्टॉक हम लोगों को दो दो सौ बावन दो सौ तिरपन रुपए के आसपास का लो लगाया है इसमें भी बहुत ही अच्छे ट्रेड बनते हुए नजर आए इंटर के अंदर और इसमें हमारा फाइनल टारगेट ही होता हुआ नजर आएगा दो सौ चालीस रुपए के आसपास का और नेक्स्ट स्टॉक था था, हमारा कल का ही हम लोगों 92 रुपीस में को नाइन के ऊपर तो तो आया होगा और हमारा टारगेट भी हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है और हम लोगों को एक से दो दिनों के अंदर इसमें नाइनटी सेवन तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं लेकिन लास्ट आवर में हम लोगों को छोटा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला स्टॉक टू के नीचे क्लोजिंग दे चुका है इंट्राडे के ट्रेडर्स को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा और नेक्स्ट स्टॉक था हमारा इंटरनेशनल इंटरनेशनल में हम लोगों ने प्लान करा था जैसे ही हम लोगों को के ऊपर निकलता बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिलेगी जिसमें कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है 158 रुपीस के ऊपर का लेकिन स्टॉक ने हमारे प्राइस को नहीं करा तो इस वजह से इसमें हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और स्टॉक में आज हम लोगों को फ्लैट से कारोबार होता हुआ नजर आया है और स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोज दिया है और नेक्स्ट स्टॉक था हमारा महाराष्ट्र बैंक महाराष्ट्र बैंक में भी एक बहुत ही बड़ी रैली की प्लानिंग कर रहे थे हम लोग लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट न मिलने की वजह से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है इसमें हम लोगों को जैसे ही इसके ऊपर था चौसठ रुपए पचास पैसे के ऊपर तो एक बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिलती और ऊपर के साइड रुपए पैंतालीस पैसे तक गया था ओपनिंग तो तो आवर हम लोग तो यह ओपन हुआ था चौसठ के आसपास उसके बाद बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला और उस प्राइस को हमारा स्टॉक ट्रिगर नहीं तो इस वजह से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और बात करें जेन्सा टेक्नोलॉजी की तो जेंसा टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत ही नजर आया स्टॉक बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है और यहाँ करा था कि बहुत सपोर्ट बना 540 के पा। तो इसमें हम को बहुत रिवर्सल देखने को मिला है आज छह परसेंट के आसपास का और इसमें कुछ खबर आती हुई नजर आ रही है गवर्नमेंट सेवन परसेंट स्टेक सेल करने वाली एनसीएल इंडिया में जिसके द्वारा दो हजार एक सौ करोड़ फंड रेज किया जाएगा और यह सेल होने वाला है ऑफर फॉर सेल के थ्रू तो गवर्नमेंट ने स्टेक सेल करने की बात करी है इस वजह से स्टॉक में बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला है और यहाँ पर आज स्टॉक छह परसेंट की गिरावट दर्ज कर रहा है यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम लोग देखें तो आर बहुत ही नीचे आ चुका है यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है आर एस का करंट लेवल देखें तो ट्वेंटी सेवन रुपीज के आसपास आ चुका है आर एस आई और तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंट लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था इस ट्रेंट लाइन का ब्रेकडाउन की वजह से हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला है और यहाँ पे एक हम लोगों को डिमांड जोन बनता हुआ नजर आ रहा है यह लेवल पहले रजिस्ट्रेस की तरह एक्ट कर चुका है तो रजिस्ट्रेस की तरह

कर सकते हैं और अगर नीचे के साइड आता तो इस स्टॉक को इग्नोर किया जाएगा अभी और नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बायोकॉन बायोकॉन में भी हम लोगों को एक नीचे के लेवल पर बहुत ही तगड़ा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और हम लोगों ने इस लेवल से डिस्कस करा था कि स्टॉक में बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिलेगी और देखा जाए तो हम लोगों को थोड़ी सी रैली स्लो देखने को मिली लेकिन स्टॉक बहुत ही ऊपर तक गया था तीन सौ तक के लेवल को टच कर दिया था यहाँ पर अभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो स्टॉक में हम लोगों को एक बाउंस एक्सपेक्टेड है तो यहाँ से स्टॉक रिवर्स करके ऊपर के साइड पर फिर से हम लोगों को दो तक जा सकता है तो कल के दिन पर जैसे ही दो सौ पचहत्तर रुपए दो सौ पर पच्चीस पैसे क्रॉस करता है तो ऊपर के साइड पे हम लोग तुरंत ही दो सौ अठहत्तर रुपए और फिर उसके बाद चुका है और यहाँ लिए देखे तो यहाँ पे हम लोगों को एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है हर बार स्टॉक इसी लेवल से रिवर्सल दिखाता है और यह लेवल को टच करने के बाद हम को बहुत ही अच्छे रिवर्सल देखने को मिलते हैं तो फिर से स्टॉक लेवल के आसपास आ चुका है टच करने के लिए यहाँ से बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है और यह हम लोगों को पहले रजिस्टर जोन और यहाँ से हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिला था और इस लेवल से बार बार करेक्शन भी देखने को मिल रहा था तो अब यह लेवल हम लोगों को सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है और यहाँ से फिर हम लोगों को एक डिमांड जोन क्रिएट होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे स्टॉक में बहुत अच्छी रिवर्सल देखने को मिल सकती है और RSI भी इसमें हो चुका ट्वेंटी फाइव के नीचे जा चुका है आर तो हम लोग कोई आर में भी एक बाउंस एक्सपेक्टेड है जिस वजह से स्टॉक प्राइस में भी हम लोग बहुत ही अच्छी रिवर्सल देखने को मिल सकती है और देखेंगे यहाँ पे तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है एट का एट के लेवल से रिवर्सल आ सकता है और यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है सौ पैंतीस के जोन में तो यहाँ तक हम लोगों को स्टॉक फिर से रिवर्स करके जा सकता है पांच परसेंट के ऊपर लेकिन यहाँ पर अगर इंटरडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो आठ का हमारा पहला टारगेट होगा कल के लिए और फिर अगर एक दो दिनों तक तेजी रहती है मार्केट में तो आठ फिर उसके बाद आठ तक का टारगेट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक है हमारा आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल तो इसमें हम लोगों को एक चैनल में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक इसी जोन के चैनल में ट्रेड कर रहा है और अभी लोअर सपोर्ट पर ट्रेड करने के लिए आ चुका है हम लोगों को इसी लेवल से एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल देखने को मिलता है और इसी लेवल से ब्रेकआउट तो यह लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दो सौ के आसपास का तो यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग मिल चुका है और अभी के टाइम पे स्टॉक निगेटिव पैटर्न में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे बीरिस संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन अगर टेक्निकल पैटर्न देखा जाए तो यह अपने लोअर चैनल के सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा अगर मार्केट का ट्रेंड हम लोगों को और भी कंटिन्यू होता है नजर आता है ऊपर के साइड पे तो यहाँ एक एक्सपेक्टेड है तो दो सौ के ऊपर निकलते ही स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिलेगी और दो सौ पच्चीस के ऊपर दो सौ है एंड्रॉड के अंदर और एक से दो दिनों के अंदर दो तक के लेवल को भी हिट कर सकता है तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा अगर सीखने मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मार्केट के हर एक लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देसी इकोनॉमिस्ट के बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए धन्यवाद